بسم الله الرحمن الرحيم. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉग में मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्लॉग पे थीम ऐड करने का तरीका सीखा था, और उससे पिछली वीडियो में हमने ब्लॉगर पर अकाउंट बनाने का तरीका बताया था। अगर कोई दोस्त ये वीडियो देखना चाहता हो तो इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकता है। दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर अकाउंट पे जाना है, ब्लॉग को ओपन करना है। मैं ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सर्च करते हैं, blogger.com पे जाते हैं। अगर कोई दोस्त ब्लॉगर पर अकाउंट बनाना नहीं जानता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको फॉलो करके ब्लॉगर पर अकाउंट बनाने का तरीका सीख सकता है। ये देखें, यहाँ से व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थीम हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। अगर किसी को ये थीम लगाने का नहीं पता तो वो वीडियो देखकर थीम लगाने का तरीका जान सकता है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि सुपर फास्ट की थीम कैसे लगाते हैं। ये देखें, ये थीम के हिसाब से मेन्यू बने हुए हैं। ये देखें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये वैसे ही है, ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस मेन्यू को हमने अपनी वेबसाइट जिसके मतलब बनानी हो उसके हिसाब से सेट करने होते हैं। मैं बना रहा हूँ जॉब के मतलब, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये मेन्यू सेट करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपने पीछे आ जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है थीम पे, नहीं सॉरी, आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, नया पेज ओपन हो गया है। आपने सबसे पहले जाना है मेन मेन्यू पे। मेन मेन्यू में आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया मेन्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से आप मेन्यू सेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ये एरो लगे हुए हैं, यहाँ से जो एडिट करना हो एडिट पर क्लिक कर दें, वरना इसको जिसको डिलीट करना हो डिलीट कर दें। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सबसे पहले इसको भी डिलीट कर देता हूँ, 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 इसको भी, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के हिसाब से सेट करने हैं। ये थीम जो हमने लगाई है उन्होंने अपने हिसाब से लगाए हैं। ये देखें, ये मैंने सेट कर लिए। ये होम वैसे रहने दें। अब हमने ये नया ऐड करना है, मेन्यू नया ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने न्यू साइट, यहाँ पे आपने नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोवर जॉब। यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक कर देना है। ये देखें, ऐड लिंक पे क्लिक कर दिया है। मैंने इसको सेट करना है, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ और होम को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो इस एरो को क्लिक करना है। होम ऊपर चला, गोवर्ड नीचे चला गया। अब मैं सेट करना चाहता हूँ प्राइवेट जॉब। ये देखें, मैंने ये लिख दिया, ये प्राइवेट जॉब आ गया। अब इसको मैं नीचे, सबसे नीचे लेके आना चाहता हूँ। ये एरो को क्लिक करते आना है तो सबसे नीचे आ जाएगा। जहाँ सेव के बटन पे क्लिक करें तो सेट कर लेने हैं। ये सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक सेव का बटन और भी आपको दिखाई देगा, इस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये देखा सेविंग हो रही है, तो आपने इसके बाद सेव होने के बाद आपने व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है।
व्यू ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद ये आपको मेन्यूज दिखाई देंगे, जो वो पहले वाले ख़त्म हो गए, ये हमने जो नए ऐड किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों, इसके हिसाब से आप अपनी कोविड जॉब, प्राइवेट जॉब इसके अंदर एडमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल IT4U को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।